अभी मेरे कानों में शंख की तीव्र ध्वनि गूंजी। जंगल पूरे जले हुए, ऐसी आग लग रखी है ये। तो अभी ना हम लोग घर से निकल गए हैं। मैंने वेलकम बैक टू ज्योतिधामी ब्लॉग्स। आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे और आपके दिन बहुत अच्छे जा रहे होंगे। तो मैं अभी फिर से एक और नए ब्लॉग के साथ, और अभी ना मेरे दो भाई आए हुए हैं यहाँ पे, छोटा मामा और उससे छोटा मामा। ये मेरी मौसी का बेटा है, सबको पता ही है। तो ये दोनों आ रखे हैं, मेरा कुछ सामान लाना था ना बरकटिया से, वो सामान लेके आए और ये लोग बैठे हैं यहाँ पे। और हम लोग ना विनोद और मैं आज जाने वाले हैं गांव, अभी कोचिंग, विनोद की कोचिंग के बाद। तो बने रहिए मेरे साथ ज्योतिधामी ब्लॉग्स पे। वो तो ना मैंने अभी नहलाया था और तो अभी दूध पिला रखा है उसको, और यहाँ पे युवा अपनी भांजी को सुलाने की कोशिश कर रहा है। अगर सो जाएगी ना, अगर तूने सुला दिया मैं तेरे को 500 रुपये दूंगी। चल फिर मैं तेरे को 500 पप्पियां दूंगी। वो भी नहीं चाहिए। क्यों, अब बड़ा हो गया, अब अपनी दीदी की पप्पियां नहीं चाहिए तेरे को? अगर तो चल फिर, जो तू बोलेगा, तेरे को ऑनलाइन कोई सामान मंगाना होगा ना 500 का, तू मंगा लेना, लेकिन तू इसको सुला के दिखा। डील डन, पक्का। ना यूवी गोल गोल घूम के आगे पीछे कासू को सुलाने की कोशिश कर रहे हैं, देखते कासू को सुला पाते नहीं सुला पाता यूवी। मैं रेडी हो गई हूँ और मैं निकल रही हूँ घर से। अभी मैं पहले विनोद को लेते हुए जाऊँगी, विनोद और मैं जा रहे हैं गाँव, हमारे अपने गाँव रहवाता। तो ठीक है, चलते हैं, निकलते हैं घर से, मिलती हूँ जल्दी। छोड़ो मेरी स्कूटी से नमूनियो, हटो, चलो चलो चलो, हम टाइम बुक कर रखें। 1 बज गया, 1:05। तो अभी ना हम लोग घर से निकल गए हैं, मैंने विनोद को पिक कर लिया है नीचे इंस्टीट्यूट से, और अब पचड़ा पहुंच गए। तो हम लोग पहुंच गए हैं ऊपर चंडा ये फ्लैग के पास। अभी ना हम लोग सीधे चलते हैं क्योंकि बहुत तेज़ धूप हुई है यहाँ पे, इसलिए मैं रुकी ना, क्योंकि मैं दीदी को बताना भूल गई थी कि दिन वाली दवाई कासू को दे देना करके। तो मैंने दीदी को कॉल करके बता दिया है कि दिन की दवाई कासू को दे देना, तो दीदी आराम से पिला लेगी। तो अभी चलते हैं हम सीधे, और अब मैं ना रास्ते में रुकूँगी नहीं, सीधे वहीं पहुँचने के बाद जहाँ पर मैं गाड़ी पार्क करूँगी ना, वहीं पर मैं आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय। ऊपर को ना जो जेल था, खाली एक स्ट्रक्चर बना था, खाली दीवारें थी ना, अभी मैं दिखाती हूँ आपको कैसा हो गया वो, ठीक है? ये रहा, और काफ़ी सही लग रहा है ये। यहाँ पे से ना हम कोल्ड ड्रिंक और चिप्स वगैरह ले रहे हैं, क्योंकि विनोद इसमें एक ही रोटी खाई थी, और तो फिर क्योंकि पूजा में तो हम बैठ नहीं सकते ना, क्योंकि विनोद ने खा दिया था, और हमारे जाने तक जो पूजा होनी है वो हो जाएगी, तो इसीलिए हम लोग खा सकते हैं। तो अभी चलते हैं नीचे को फटाफट से। पहुँच चुके हैं, आज हम ना नीचे वाली रोड आए। अभी तक मैंने इस भी जो भी ब्लॉग यहाँ के डाले थे ना अपने गाँव के, तो हम ऊपर वाले रास्ते आए थे, अभी हम नीचे वाले रास्ते आ रखे हैं। तो यहाँ पे स्कूटी पार्क कर दी है, और ये जो पहाड़ दिख रहा है ना ऊपर, तो यहाँ से हमने ऊपर टॉप पे जाना है। मैं आपको ले चलती हूँ और पूरा दिखाते हुए। और इसके जस्ट नीचे पे जहाँ पे अभी रुकी हूँ ना मैं, नीचे है बांस और कौन सा गांव, बांस मिल्टा, तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार यहाँ से। और अभी ना दिन का टाइम है, मतलब अभी 1:30 बज रखा है, और बहुत ही भयंकर धूप लग रही है, और पूरा यहाँ चढ़ना है हमने ऊपर। ये नीचे ये है बांस और मिल्टा। अभी जब हम ऊपर टॉप में पहुंचेंगे ना, फिर वहां से ज्यादा अच्छे से दिखेगा, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। चलते हैं ऊपर को पैदल पैदल। स्कूटी मैंने यहाँ पे लगा दी और लॉक कर दी है, और ठीक है सनग्लासेस पहन लेते हैं क्योंकि बहुत तेज धूप है। मैं यहाँ गिरते पड़ते रहूंगी, मुझे पता है, क्योंकि गिरते रहना मेरी आदत है। हमारा पैदल रास्ता यहाँ से सीधे सीधे, तो अभी तो थोड़ा तिरछा तिरछा है, और वहाँ पहुँचने के बाद ना पूरी खड़ी चढ़ाई है ऊपर तक, और फिर वहाँ से नीचे डाउन, मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये रहा बांस और मिल्टा, मैं जूम करके क्लोजअप में दिखाती हूँ। ये वाला है, ये फर्स्ट में ना, ये है मिल्टा, और जो वहाँ पे पेड़ों के बीचों बीच दिख रहा है ये वाला,
ये है बांस। वैसे हम लोग बांस के हुए, बट जो दादा परदादा थे ना, तो पहले के लोगों को क्या होता था, जहाँ जंगल दिखते थे ना लोग वहाँ चले जाते थे। इधर साइड को जहाँ पे हमारे हैं ना, आप लोगों ने देखा होगा कोई दूसरा मकान नहीं है और पूरे जंगल को बीचों बीच है, तो वो लोग यहाँ बस गए थे, इसीलिए हम यहाँ रहते हैं। तो धूल इतनी तेज़ है ना, मेरे को पता था कि मतलब बहुत तेज़ धूप लगेगी, इसलिए मैं तो अपना इंतजाम करके आई हूँ। मैं छाता लेके आ रही हूँ और मैं तो उड़ के जाऊँगी छाता। मैं थोड़ा टॉप में पहुंच चुके हैं, मैं आपको दिखाती हूँ हम लोग कहाँ पे से आए, अभी हम कहाँ पे पहुंचे। तो वो नीचे जो सड़क दिख रही है ना, मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने स्कूटी कहाँ पे पार्क करी है। ये मैंने स्कूटी यहाँ पे पार्क करी है, यहाँ से हम पैदल पैदल आए पूरा, और ये जो रास्ता दिख रहा है, और अभी हम पहुँच गए हैं यहाँ पे। अभी इतना ही और ऊपर चढ़ना है, उसके बाद पूरा डाउन है। पहुँचे नहीं है, थोड़ा और चलना है, जो डाउन में कह रही थी। अभी मेरे कानों में शंख की तीव्र ध्वनि गूंजी, तो या तो पूजा शुरू हो रही थी या फिर पूजा समाप्त हो चुकी है। तो अब थोड़ा ही है वैसे होने के लिए, तो यहाँ पे से मेरे तो गिलास हो गया, हम लोग कोल्ड ड्रिंक लाए थे, तो 2 मिनट रुक के छाए में यहाँ पे हम कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं, उसके बाद फिर हम चलेंगे नीचे को। और मैं दिखाती हूँ यहाँ का, हमारे घर के सामने का सबसे टॉप वाला पहाड़, जहाँ जब भी मैं यहाँ आती हूँ ना, मैं यहाँ आने के बाद ना इंस्टाग्राम पे पक्का लाइव आती हूँ। तो अगर आपने देखना हो ना, तो मेरे इंस्टाग्राम पेज ज्योतिधामी04 और ज्योतिधामी ब्लॉग्स को फॉलो करना मत भूलना, ताकि नेक्स्ट टाइम जब मैं यहाँ आऊँ तो आप बहुत ही सुंदर नज़ारा यहाँ का देख पाओ। क्योंकि अभी तो मैं ना दिन के टाइम आ रही हूँ, तो मैं वीडियो भी नहीं बना सकती। तो जो भगवान, हम लोग पहुंच गए हैं यहाँ से, हमारे मंदिर के दर्शन हो गए, मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ, हमने पे पेड़ों के बीचों बीच जूम करके दिखाती हूँ, जो पेड़ों के बीचों बीच वो रहा, पेड़ों के बीचों बीचों मंदिर है ये, और बहुत सारे लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं। ये रहा, इससे ज़्यादा जूम मैं नहीं कर सकती। अब तो चलते फटाफट से ही नीचे को, आप पहुंच के मैं आपसे मिलती हूँ। अभी हम कोल्ड ड्रिंक पीना भी अवॉइड करते हैं, हम सीधे चलते हैं नीचे है ना अपने घर पे। अगर आप लोगों ने मेरे पिछले ब्लॉग देखे हैं ना, ये हमारे घर के गांव के पार्ट 1 और पार्ट 2, जब मैं जब यहाँ कुछ भी नहीं था, बंजर था, और उसके बाद जब थोड़ा बहुत डेवलप करा था हमने, और अभी ये वाला ब्लॉग आप देखेंगे ना, तो आपको बहुत ही अलग ही नज़ारा देखने को मिलेगा। मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ, फर्स्ट ब्लॉग और ये वाले ब्लॉग को आप कंपेयर करना, तो आपको बहुत ही बड़ा डिफरेंस दिखेगा। मैं आपको दिखाती हूँ अभी कैसा लग रहा हमारा घर और पहले कैसा था। अभी तो हमने ना यहाँ गौशाला भी बना दी है, हमने गाय भी पाल रखी है। ये रहा, बछड़ा भी है और गाय भी है। बछड़ा नहीं, केवल गाय ही गाय है। बछड़ा भी है, उधर देखो। ब्यानी तो आ रही है। अच्छा, ये ब्याह गई नहीं, ये पहले वाला है, ब्याने वाली तो अब है। और मैंने थोड़ा सा खेतों का नज़ारा भी आपको दिखा देती हूँ। और मैंने ये आते ही करूँ, क्योंकि मुझे खुद देख के इतनी एक्साइटमेंट हो रही है ना, आई जस्ट होप आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगे कि कैसे ये ज़मीन पहले बंजर थी और अभी कितनी उपजाऊ हो गई है। एक बार का इसमें पूरा जो भी बोया था वो उखाड़ के दोबारा ये शिमला मिर्च भी लगा दी है, बाकी पूरे खेतों का काम यहाँ बहुत सारी चीज़ें बो रखी है। अभी मैं डिटेल में नहीं बता रही हूँ कहाँ पर क्या लगा रखे हैं, क्योंकि हमने जाना है मंदिर पर। तो मैं जाती हूँ पहले मंदिर पर, हाथ वहाँ जोड़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको पूरा, अगर मेरे को टाइम हुआ तो ना, क्योंकि घर भी जल्दी जाना है, तो मैं आपको ज़्यादा डिटेलिंग दे दूँगी। अभी चलते हैं अंदर मंदिर की तरफ। तो हम लोग ना खाना खा लिया था सुबह, तो मैं अंदर जाके पूजा तो नहीं कर सकती, बट मैं आपको दिखाती हूँ, सब लोग आरती कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और ये हमारा घर का मंदिर है, सामने पर हमारा घर वो, और जस्ट सामने पर है मंदिर। मैं आपको क्लोजअप दिखाती हूँ, बाकी सब लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं।
है प्रवेश द्वार मंदिर का और यहाँ पे सारे लोग बैठे हुए हैं और यहाँ पे चल रही आरती, क्योंकि अंदर को मैं जा नहीं सकती ना, तो मैं यहीं से आप लोगों को दिखा देती हूँ। अभी बुआ आरती कर रही है। ये रहा हमारा मंदिर। यहाँ को तो अभी ना पूरा धुंध छाई हुई है, तो उतना क्लियर नहीं दिख रहा है। चलो 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 भाई, यहाँ पे बच्चा प्रसाद भैया लोग के साथ बांट रहे हैं। मंदिर के प्रसाद का तो स्वाद ही अलग होता है, अलग ही टेस्ट होता है, चाहे पूरी हो, हलवा हो या कुछ भी हो। बताओ यार, बेइज्जती करा दी, ब्लॉग में डाल के तो नहीं बोलोगे ना? तो ये जो दो कोने कोने वाले ना, तो ये है मेरे देवर दोनों, और जो बीच वाला मेरे भतीजा, यहाँ देखो ये बीच वाला। तो हम लोग ना बैठ के यहाँ पे खा रहे खाना अंदर, और यहाँ पे ना सारे लहसुन लटकाए हुए हैं जो भी ददानी यहाँ लगाए थे ना, ये ऊपर छत में टांग के सुखाने के लिए। क्योंकि तुम तो मेहनत करोगे नहीं। सब लोग ना घर पे जाने लगे, हमारी भी तैयारी हो चुकी है घर जाने की, और सब लोगों ने खाना वाना खा लिया, बर्तन भी हम लोगों ने धो लिया है। अरे बर्तन में धोना ही होगा, चलाना लगा। और मेरी ताई जी तीनों देवरानी जिठानियां यही रहने वाले हैं, चाची भी और ताई जी भी इधर ही रहने वाली है, और मम्मी भी, मम्मी यही कहीं है, वो पीछे यहाँ पे मम्मी। तो ये लोग सब आज यही रहने वाले हैं। हाँ ठीक है, जो जो रह सकते हो यही रहो, चाची आज यहाँ साथ में बनाओ, यही खाओ। हाँ ठीक है, हाँ हाँ चाचा, हाँ देख लेंगे दोनों को। तो ठीक है, अभी चलते हैं हम यहाँ से, आराम आराम से जल्दी जाते हैं, क्योंकि काफी भी घर में अकेले हैं। खाने के बाद ना सच में बहुत सुकून मिलता, मतलब थकान ना खुद ही खत्म हो जाती। अब मेरे चेहरे पे आप अलग ही अलग देख रहे होंगे, जबकि मैंने दो ही पूरियां खा रखी, ठीक है, ज्यादा नहीं खाया। और हवा ही कुछ ऐसी है यहाँ की, मंदिर का वातावरण, शुद्ध हवा, ताजी हवा ना। तो अब चलते हैं हम यहाँ से घर को। खेत ना अभी मैं ज्यादा नहीं दिखा सकती क्या क्या लगा रखे हैं, क्या क्या है करके, क्योंकि ना घर पे काशु भी अकेली है, दीदी भी अकेली है, तो चार चार बच्चे हुए। तो जल्दी से हम चलते हैं सीधे घर को। इतनी अच्छी बीवी हो, देखो पूरा बैग मैंने तो भारी मैंने टांगा हुआ है, और मेरे पतिदेव खाली हाथ लटकते हुए आ रहे हैं। कोई होता है इस कलयुग में ऐसी बीवी? कलयुग में ऐसी बीवी कहीं मिलेगी तो बताओ। जंगल ना पूरे जले हुए हैं, ऐसी आग लग रखी है ये पूरी, इतने हरे घास में भी, क्योंकि ना बहुत तेज हवा चल रही है ना, हवा चलती है तो फिर आग बहुत जल्दी पकड़ लेती है, तो यहाँ पूरे जंगल चल चुके हैं। ये है रास्ता, और ये इसी रास्ते से हम जा रहे हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, उन्हें पूरे पास जाके मैं आपको दिखा रही हूँ।
हम लोग ना पहुंच चुके हैं अपनी स्कूटी के पास, अब चलते सीधे घर को और थोड़ा हवा खाते खाते जाती हूँ मैं। स्कूटी में थोड़ा हवा लगेगी, बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो गई है पूरा ऊपर से वहाँ से लेके आने में। तो ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं रास्ते में। अगर मैं कहीं रुकूंगी कुछ होगा तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ, वरना फिर हम घर पहुँचने के बाद ही मिलेंगे। अरे जाने वाले रास्ते में ना यहाँ पर ना एक बहुत ही मतलब ये बड़ा सा बैंड है, यहाँ से पूरा नीचे बांस जजराली मिल्टा पूरे सारे गांव प्रॉपर और बहुत अच्छा व्यू दिखता है। मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ प्रॉपर कैसा दिख रहा है। ये रहा सुंदर सा दृश्य आपके सामने। थोड़ा ना ये धुंध लगी है, कोहरा लगा होता है उस वजह से ना थोड़ा प्रॉपर नहीं दिख रहा, पर मैं जूम करके आपको दिखाती हूँ। ये रहा सुंदर सा बांस का गाँव और यहाँ पे एक प्रॉपर टॉप है। यहाँ पे ना पिक्चर्स बड़ी तगड़ी आएंगी मतलब। और लेफ्ट साइड पे यहाँ पे ये है मेल्टा, पेड़ लगने की वजह से थोड़ा घर प्रॉपर नहीं दिख रहा, बट मैं जूम करके आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ जितना दिखा सकती हूँ। और इसी के नीचे सीधे ये है जजराली, ये पूरा एरिया ये जजराली का है जो यहाँ से आपको दिख रही है पूरा। तो ये रहा जजराली।